नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम द बुक गो प्रो बाय एरिक वॉरी। एरिक वॉरी साहब ने ये जो स्किल है सबसे पहले बताई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। ये स्किल कहती है कि जो संभावित व्यावसायिक आपके साझेदार हो सकते हैं, इनको आपने ढूंढना है, नित्य ही ढूंढना है। और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन डे वन से, उस पहली घड़ी से लेकर के जब तक आप इंडस्ट्री में हो, आपको नित्य ही लोग ढूंढने हैं, लोगों को मिलना है और उनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाना है। अब जैसे पिछले चैप्टर में साहब ने कहा था कि तीन तरीके के लोग होते हैं, पोजर्स, अमेच्योर्स, प्रोफेशनल। जो पोजर होते हैं वो एक अपनी छोटी लिस्ट होती है 8-10-15 लोगों की, उसको ले करके काम करना शुरू करते हैं, बहुत जोश होता है, जितने जल्दी शुरू करते हैं उतने जल्दी थक जाते हैं, टूट जाते हैं। एमेच्योर जो होते हैं वो अपनी लिस्ट बनाते हैं, तो वो लिस्ट जब बनाते हैं उनका एक कॉन्फिडेंस होता है और फिर उस लिस्ट को ले करके वो काम करना शुरू करते हैं। बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि भाई ये लिस्ट जब ख़त्म हो जाएगी तब मैं क्या करूँगा। वो ये नहीं सोचते या करते कि भाई मैं इस स्किल को डेवलप करूं कि मैं नए लोगों को मिलूं, वो जस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। अब तीसरे जो लोग हैं वो हैं अपने प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स को ये बहुत ही पता होता है कि क्वालिटी लोगों को ढूंढना एक स्किल है, एक कला है, और इस कला को वो बखूबी सीखते हैं डे वन से। कुछ नहीं आता तब भी वो सीखना शुरू करते हैं कि भाई मुझे लोगों से कैसे मिलना है, कहाँ कहाँ मिलना है और कब तक मिलना है। साहब ने उनके एक खास मित्र हैं मिस्टर हार्वी मके, उनके बारे में बताया है कि हार्वी साहब ने एक किताब लिखी है, हाउ टू स्विम विद शार्क्स विदाउट बीइंग ईटन अलाइव। अब हुआ ये कि जब हार्वी साहब 18 साल के थे तब उनके पिताजी ने उनको पास बुला के एक जीवन मंत्र दिया, एक सीख दी कि आज से लेकर के भविष्य में जब तक तुम हो तब एक काम करना है कि जहाँ जहाँ जिस जिस को तुम मिलोगे उसकी पूरी डिटेल अपने पास रखोगे, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो क्या करता है, उसके जन्मदिवस क्या है, उसकी शादी की सालगिरह कौन सी है, कितने बच्चे हैं, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, और कोई भी बहाना, कोई भी एक अच्छा कारण अपने पास रखोगे उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, मतलब संपर्क बनाए रखने के लिए। हार्वी साहब ने उस जीवन मंत्र को प्रैक्टिस में काम किया उसके ऊपर, और पिछले 60 सालों में, एरिक साहब बता दें, पिछले 60 सालों में हार्वी साहब के पर्सनल 12,000 मित्र हैं। कितने? 12,000। और ये पर्सनल जानने वाले, जो हार्वी साहब उनको जानते हैं और वो हार्वी साहब को जानते हैं, ऐसे 12,000 लोग हैं। तो आप या और मैं भी ये प्रैक्टिस को हम साथ में ला सकते हैं। अब साहब कहते हैं कि अगर आपने स्किल्स मास्टर करनी है तो आपने सिर्फ 4 स्टेप करने, सिर्फ 4, ठीक है। पहला स्टेप, आप अपनी लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में जितने आपके नाम हैं जो आप के समझ में आते हैं, जो आपके ध्यान में आते हैं, जो आपको, आप जानते हो जिनको, आपको वो नाम प्रैक्टिस में लाना है, वो नाम आपने लिखना है, ठीक है। और फिर वो लिस्ट में 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, आपके आसपास रहते हो, दूर रहते हो, इंटरनेशनल लेवल पे रहते हो, उन सब का नाम आपने लिखना चाहिए, ठीक है। एक बार आपका दिमाग खाली हो जाना चाहिए कि मुझे जितने नाम पता थे मैंने लिख दिए सारे, ठीक है। अब आपने सिर्फ नाम लिखना है, आपने उनका संपर्क एकदम से शुरू नहीं कर देना है, आपने सिर्फ नाम लिखना है। दूसरा स्टेप कहते हैं साहब के, आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के कम से कम 6 या 7 कनेक्शन होते हैं, और वो कनेक्शन, मतलब हर व्यक्ति का जो 6ठा कनेक्शन है, उसका 6ठा कनेक्शन, ऐसे करोगे तो आप दुनिया के हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाओगे। तो मतलब 6 कनेक्शन ही आप हुए हो पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए या टच करने के लिए। तो इसका मैसेज या इसका एंड लाइन ये है कि आप अपनी लिस्ट बनाते रहो। स्टेप नंबर 3, कॉन्स्टेंटली आपको अपनी लिस्ट एक्सपांड करनी है, आपने नित्य ही रोज उनमें नाम ऐड करने हैं, और सिर्फ नाम ऐड करने के लिए नहीं, एक्टिवली ऐड करने हैं।
साहब कहते हैं आपकी जो लिस्ट है उसका नाम होना चाहिए एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, और इसको कभी भी आप ग्रो होने से मत रोके, उसको सदैव ग्रो करते रहें। हार्वी साहब की दूसरी बुक का नाम बताया है डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी, मतलब प्यास लगने पे कुआं ना खोदो, पहले से खुदाई का काम चालू रखो, पानी उसमें भरने दो ताकि जब भी आपको प्यास लगे आप उसमें से थोड़ा पानी पी सकते हो। तो आपका और हमारा काम है कि हम अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहें, नित्य ही हम एक या दो या तीन नाम ऐड करते रहें। दूसरे मित्र हैं एरिक साहब के, उनका नाम है जॉन एडलर, उन्होंने बुक लिखी है बीच मनी। अब वो क्या कहते हैं कि आप अपने प्रोफेशनल दायरे में जो लोग हैं, आप आसपास में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी खबर रखें और नए नए लोगों को उसी खबर के, उसी इवेंट के, उसी कारण से आप मिलना शुरू करें। अब साहब ये भी कहते हैं कि अगर आप नित्य रोज एक या दो व्यक्तियों को मिलते हैं तो साल में आप 600 लोगों के करीब मिलोगे, यही प्रैक्टिस रखोगे तो आप 3000 लोगों तक पहुंचोगे अगले 5 साल में। और ये तो शुरुआत हो गई, जब 3000 तक पहुंच जाओगे तो फिर आगे भी बढ़ोगे, रुकोगे नहीं। बस ये एक बार आदत लगने की बात है, ये आपका माइंडसेट बनने की बात है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, नेटवर्क ऑन पर्पस, मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको ये कला आती है कि मुझे लोगों से मिलना है, उनके लिए मिलने के कारणों की भी कमी नहीं होती। अब जैसे आप ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन में आप लोगों को जानने लगोगे, आप एयर से ट्रैवल करते हो तो एयरपोर्ट पे आपको लोग मिलेंगे, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, आप बच्चों के स्कूल में जाते हो स्कूल वालों से मिलने तो वहाँ दूसरे पेरेंट्स को मिलोगे, आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग में जाते हो वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे। तो लोगों के मिलने की जगह, लोगों को मिलने के कारणों की कमी नहीं है, अतः लोगों की भी कमी नहीं है। तो आपने ये स्किल जो है लोगों से मिलना, अपनी लिस्ट को बढ़ाना और लिस्ट में आए हुए नाम वाले लोगों से संपर्क में रहना, ये बेसिक स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं आपको लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए, जो नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। तो आज से ही आप अपनी लिस्ट बनाएं और इस लिस्ट में रोज़ आप नाम ऐड करते चलें, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, पर जाने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, या कमेंट्स ये भी लिखें आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक ईजीली पहुँच सके। इस वीडियो को आप अपना प्यार दें और आपकी टीम में आपके जानने वालों को आप शेयर करें ताकि आपकी टीम भी इसी तरीके से आपके जैसा अच्छा काम करे और जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करने में एक एक कदम आगे बढ़ाएं। तो मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।